दिल्ली के सीएसओ आई हॉल में केसीसी ग्रुप और फैशन लाइफस्टाइल मैगजीन के डायरेक्टर मिस्टर शरद कोहली द्वारा बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के कई राज्यों के छोटे छोटे उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। क्या थीम है सर, क्या सोच कर आपने? थीम ये है कि जो MSMEs हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना और उनको उनके फ्यूचर कस्टमर्स से, क्लाइंट से, सप्लायर से, एसोसिएट से मिलवाना और उनको कैसे एक साथ ला के जिससे वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें, एक दूसरे से संपर्क कर सकें एंड दे कैन मीट ईच अदर, दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, सो दैट दे कैन ग्रो देयर बिजनेस। दैट्स द होल कांसेप्ट। सर यहाँ पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे दिल्ली एनसीआर से, अलग अलग स्टेट से भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, बिजनेस लाना लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से यहाँ पर लोग आए हुए थे। और जो चीफ गेस्ट में यहाँ पर कौन मौजूद थे, यहाँ पर क्या उनका रहा? हमने कोई चीफ गेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं रखा था क्योंकि यहाँ कोई स्टेज नहीं थी, फ्लैट सेटिंग थी और बहुत इनफॉर्मल सी सेटिंग थी। पर हमने शमी नारंग जी, जो दूरदर्शन से जुड़े रहे बहुत साल और अब वो दिल्ली मेट्रो में अपनी आवाज़ देते हैं और बहुत जगह उनकी आवाज़ जाती है, विज्ञापनों में भी जाती है, तो हमने उनको यहाँ पर लाइफ टाइम मीडिया एक्सेलेंस अवार्ड दे के सम्मानित किया है और हमें बहुत खुशी है उनको हमने दिया। उन्होंने बहुत अच्छा अपना सारा, मुझे नहीं लगा कि उन्होंने इतनी देर तक, मैंने उनके बहुत सारे बहुत दिन से उनसे संपर्क में हूँ, जी जी, मुझे नहीं लगता उन्होंने इतना खुल के और अपने बारे में इतने अच्छे से कहीं पर बोला, तो हम उनके बहुत आभारी हैं और जहाँ जितने भी लोग आए थे हम सबके बहुत आभारी हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो जो छोटे छोटे बिजनेस मैन हैं जो अपने आप को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, आगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को फ्यूचर में और ब्राइट करना, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चांस है और इसको अवेल करना बहुत अच्छी चीज़ होगी क्योंकि आपको नहीं पता आपके लिए क्या आगे फ्यूचर में क्या एक बहुत अच्छी चीज़, कोई बहुत बड़ी चीज़ तैयार बैठी है। यू जस्ट हैव टू मुझे बड़ा हैरानी हो रही है क्योंकि कारोबारियों के बीच में मेरे जैसे नाकाम इंसान को बुलाया गया और मैं कारोबारी तो नहीं हूँ, हाँ बैंक करप्शन का मामला होता तो मैं ज़रूर आता इधर। खैर मजाक की बात छोड़ी, बहुत अच्छा लगा, इस तरह के एहतराम और इस तरह के इजाज़त मिलते रहें आपको, आपको आपकी इज्जत अफजाई होती रहे तो आपको ये यकीन हो जाता है कि आपने जो कुछ किया अच्छा किया है ज़िंदगी के अंदर और इंशाल्लाह इसी तरह से हम आप लोग बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे और अगर हम चाहेंगे कि जो जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो फन हमने इकट्ठा किया है वो आने वाली नस्लों तक बढ़े और वो लोग अच्छा बोलें, तमीज़दार बच्चे बने और बड़ों का आदर सम्मान करें, ताकि इससे सिर्फ एक माशरा, एक समाज ही नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे राष्ट्र का। पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी शरद कोहली को एंड कारा जी को फॉर कंप्लीटिंग 29 ईयर्स, क्योंकि आज फाउंडर्स डे भी है एंड आई थिंक जैसे कि हमने PNP जब लॉन्च किया था तब भी कहा था दैट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आई थिंक समथिंग जो नीड ऑफ एन आवर है, बिकॉज हर कोई बिजनेस करता है बट बिजनेस सक्सेसफुल दूसरे के साथ बनता है। मैं एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से, तो मैं भी मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी हूँ एंड बहुत टाइम से शरद जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैक्सिमम नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे, अवार्ड सेरेमनीज में मिली हूँ उनसे। सो जैसे मेरा खुद का ही 26 साल का मीडिया का बैकग्राउंड है, उसके बाद भी मैंने छोड़ के अपनी कंसल्टेंसी शुरू करी एज अ ब्रांड कम्युनिकेशन कंसल्टेंट। सो इफ आई सी ब्रांड कम्युनिकेशन कंसल्टेंट, आप मेरा एग्जांपल देखिए कैसे फिट होता है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं एडवर्टाइजिंग करती हूँ, ब्रांडिंग करती हूँ, PR करती हूँ, इवेंट्स करती हूँ, कॉन्फ्रेंसिस करती हूँ, एग्जीबिशंस। सो अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, सबको एक दूसरे की मदद चाहिए, एक दूसरे का शोल्डर चाहिए किसी ना किसी वजह। नमस्कार, मेरा नाम पारुल महाजन, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सबसे पहले मैं शरद कोहली जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा सक्सेसफुल इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया। शरद जी जो आई थिंक वो इंसान नहीं, इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, बिकॉज इतने बड़े नेटवर्किंग इवेंट को जब वो ऑर्गेनाइज करते हैं तो कितने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं एक दूसरे को जानने के लिए, कितने सारे नए स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में दुनिया को। रोहित पांडे एंड आई एम वर्किंग फॉर सनलेस कैपिटल एज अ वेल्थ मैनेजर। सो जैसा आपने आज जो हमारे प्रोग्राम से देखा, ऐसा आपने एक KCC के बर्थडे एनिवर्सरी में देखा कि यहाँ पे देश भर से बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आए हुए हैं और हम लोगों ने एक बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन किया यहाँ पे। BNP का जो कॉन्फ्रेंस है, मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है, मैं अशोक का बिजनेस क्लब से आया हूँ, कंसल्टेंसी सर्विसेज का मेरा काम है। तो जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है, कुछ लोगों ने अपने अपने लोगों को फील्ड के बारे में बताया है कि वो किस
तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा नाम फातिमा है, मैं केसीसी ग्रुप में पार्टनर हूँ और इसके साथ साथ मैं कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में भी आगे रहती हूँ। जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मैं थोड़े से नबीडी वर्कर्स हैं उनके लिए काम करना चाह रही हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म BNP का वैसे तो बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और हमारा जो इनिशिएटिव है दैट इज़ टोटली सोशल इनिशिएटिव, बट देन स्टिल यहाँ पे जो जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने के लिए मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं शरद सर और दिनेश चिटकारा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस तरह का प्लेटफॉर्म मुझे भी दिया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ मैं गेस्ट ऑफ ऑनर लेकर आई हूँ अपने मेंटर को हमारे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।